हाई एवरी वन, आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। सो आज मैं लेकर आई हूँ करवा चौथ का लुक बुक, जो बहुत ही ईजी सा है, सिंपल सा, एकदम हाउस वाइफ लोगों के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है। जिन लोगों के पास ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल करेगा। तो पहले ही मैंने यूज़ कर लिया गुड वाइव्स का फेशियल ऑयल, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। मैं कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी, जस्ट कंसीलर को अपने ऑल ओवर फेस में मैंने ब्लेंड कर लिया है, बिकॉज मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट लेकर यूज़ करूँगी ताकि कोई भी हाउसवाइफ ये कर पाए, क्योंकि करवा चौथ ऐसा फेस्टिवल है कि सब लोगों के लिए ये लागू होता है। जो सुहागन है उन लोगों के लिए, मम्मी बोलो, चाची बोलो, मासी बोलो, या फिर यंग जो न्यू मैं शादी हुआ है उन लोगों के लिए बोलो। तो मैं ऐसा रेडी करूँ ताकि कोई भी कर पाए, जिन लोगों के पास मेकअप ना हो तीन चार प्रोडक्ट से भी मेकअप कर पाए। तो मैंने ब्राउन कलर का या आई शेडो बॉक्स से एक ब्राउन कलर शेड लिया और उससे मैं कंटूर कर लिया। देन उसके बाद मैंने ब्लश लगा दिया, हल्का पीच कलर का ब्लश लगाया। देन मैं एक फिक्सर लेके अपने फेस पे लगा लिया अच्छे से, ताकि मेरा जो फेस है वो लॉन्ग लास्टिंग हो। उसके बाद मैं अपने आईब्रो को पहले फिल कर रही हूँ, क्योंकि आईब्रो का जो शेप है वो थोड़ा अच्छा होने से ना लुक पूरा चेंज हो जाता है। तो मैं अपने आईब्रो को प्रॉपरली सेट कर लिया। फेस मेकअप मेरा ख़त्म है और कुछ नहीं है, जस्ट मैंने जस्ट पाउडर लगा लिया। आप कोई भी पाउडर लगा सकते हो, मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया, आप ट्रांसलूटेंट पाउडर लगा सकते हो या फिर कॉम्पैक्ट। तो मेरा फेस ख़त्म हो गया। अभी मैं जा रही हूँ आई में। आई में कुछ भी नहीं किया मैंने, जो वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो बॉक्स था उसमें से मैंने एक गोल्डन कलर का शिमरी आई शेडो लेके जस्ट ब्लेंड कर लिया, और जो मैं कंटूर किया था जो कलर से, ब्राउन कलर से, वही कलर लेके मैं अपने नीचे वाटर लाइन की साइड में थोड़ा सा ड्रॉ करूँ, ताकि ये थोड़ा सा एप्रोप्रिएट लेके और भी एक डेप्थ आए आईज़ में, जस्ट फॉर दैट रीज़न, नो अदर थिंग। और नॉर्मली मैंने यहाँ पर आईलाइनर लगा लिया। ज़्यादा विंग मैंने आज नहीं किया, आप देख सकते हो। मैं ज़्यादातर जब भी मैं आईलाइनर लगाती हूँ साइड में बहुत निकालती हूँ मैं, बट आज नहीं किया। आज मैं छोटा सा आईलाइनर लगाया, जस्ट नॉर्मल स्मॉल विंग, एंड थोड़ा सा मैंने वाटर लाइन में वाइट कलर का काजल लगा दिया। एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा वो जो आई शेडो मैंने लगाया था ब्राउन कलर का, और एक बार मैंने लगा लिया ताकि वो ब्लेंड आउट ना हो जाए। उसके बाद मैंने मस्कारा लगाया, दैट्स इट फॉर मेकअप। देन लिपस्टिक एंड हाइलाइटर, दैट्स इट। लिपस्टिक के लिए मैंने रेड कलर का रेड एंड ऑरेंजी शेड है ये मैंने लगाया है। उसके साथ साथ आप बिंदी ऐड कर लो, रेड बिंदी एंड सिंदूर लगा लो। ऑब्वियसली सुहागन लोगों के लिए यही स्पेशल है, तो मैं तो सिंदूर नहीं लगाया, मैं जस्ट लिपस्टिक के साथ लगा लिया ताकि वो लुक आए। दिस इज़ माय फाइनल लुक गाइस। आप देख सकते हो बहुत ही हल्का, कुछ लगाया ही नहीं मैं फेस पे, थोड़ा बहुत लगाया और मैंने वेट एंड वाइट का स्मॉल आई शेडो बॉक्स के हेल्प लेते हुए मैं कंटूरिंग एंड आई शेडो सब कुछ कर लिया। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और भी बहुत सारा वीडियोज़ आएगा, सब्सक्राइब करके रखो ताकि कोई भी वीडियो दूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो बाय गाइज, लव यू।